जय हिंद, मैं मानिक नायक आप सबको वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग जो है CDPO का पेपर यहां पे एनालिसिस करेंगे। जो BPSC का जो CDPO होता है वो हम यहां पे एनालिसिस करने वाले हैं। हम बता दें कि जो BPSC का पेपर था, जो हम 47 BPSC तक था, वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब ये कंप्लीट हो गया तो अब क्या कर सकते हैं आप, अब हम लोग CDPO के पेपर को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। 3 साल का पेपर, 3 पेपर है CDPO का, एक है 2018 का है, 2015 का है, 1998 का है, तो 2005 का है, 2018, 2005 और 1998 का। तो इन 3 पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले बता दें, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में मेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे BPSC का तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग जो है एक फ्री मेंस आंसर राइटिंग सीरीज जो है स्टार्ट किए हुए हैं। उसके लिए डेली 1 क्वेश्चन आपको दिया जाता है लिखने के लिए और इवेल्युएट होता है। और इस ग्रुप से जुड़ने के लिए, यहाँ पे ग्रुप में आपका 7000+ लोग जहाँ पे जुड़े हुए हैं, 7000+। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमें 6200922032 पे आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम पे इस पर मैसेज करेंगे 6200922032 पे। और याद रखिएगा कि जो ग्रुप में जो आपका बेस्ट आंसर होता है, बेस्ट आंसर आपको हिंदी में होगा, बेस्ट आंसर आपका इंग्लिश में होगा, इन दोनों का जो आप कॉपी होगा बेस्ट आंसर का, तो वो आपको अपलोड कर दिया जाता है वहाँ पे, और या फिर यूट्यूब पे आपको बता दिया जाता है, एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो आप वहाँ से क्या करते हैं, आप अपने वहाँ से उन नोट्स को देख कर अपने लैंग्वेज में अपना नोट्स, खुद का नोट्स बना सकते हैं। ये आपको हेल्प मिल जाएगा। और ठीक है, तो बाकी आप देखिए, विजिट कीजिए और ग्रुप अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले बड़े मतलब कि अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो को। ठीक है, यहाँ पे CDPO का पेपर है, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रद्योत का राजा, प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो प्रद्योत जो था आपका अवंती का राजा था। प्रद्योत जो है कहाँ का राजा था? तो यह अवंती का राजा था। नेक्स्ट है, हुन राज तोरामन किस ओलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो तोरामन को किसने पराजित किया था? ये आपका यशोवर्धन ने किया था। किसने किया था? यशोवर्धन ने किया था। हुन राज तोरामन किस ओलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था, यानी तोरामन को किसने हराया था? तो आपका यशोधर्मन ने हराया था। नेक्स्ट है, तंजौर में बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा ने के द्वारा राजा द्वारा करवाया गया था? तो ये जो करवाया गया था, राजा चोल के द्वारा करवाया गया था। तंजौर में बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था? तो राजा चोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और पूरा बात करें तो राजा राजा वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो विधवा दहन का कहाँ पे आपका दिया गया है आपका, तो ये हो जाएगा भानुगुप्त का एरन अभिलेख। कौन सा है? भानुगुप्त का एरन अभिलेख में सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है, यानी निम्नलिखित अभिलेख में से किसमें विधवा दहन का उल्लेख मिलता है? तो आपका भानुगुप्त का एरन अभिलेख, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो महावंश के अनुसार जो बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में बैठा था। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो 15 वर्ष की आयु में बैठा था। नेक्स्ट है, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो ये जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आपका खारवेल के द्वारा किया गया था। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथगिरी किसके द्वारा विजित किया गया था? तो खारवेल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? तो मोहम्मद गौरी जो हुआ था आपका 1178 में पहली बार इसको पराजित किया गया था। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुए थे? तो 1178 में हुए थे। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्रम की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? तो ये आपका मलिक कफूर हो जाएगा। मलिक कफूर को नियुक्त किया गया था, ऑप्शन डी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्रम की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? मलिक कफूर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो कौन सा रूप है ये? तो आपका रेहला हो जाएगा। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत जो है रेहला के फॉर्म में जाना जाता है। नेक्स्ट है, फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो ये होता है आपका दक्षिणी द्वार होता है, दक्षिणी। फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो ये हो गया दक्षिणी द्वार हो जाएगा, ऑप्शन डी, सी हो गया। नेक्स्ट है, 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो कहाँ पर वो युद्ध लड़ा गया था? तो चौसा में लड़ा गया था। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच में युद्ध लड़ा गया था, चौसा का युद्ध, ऑप्शन डी हो जाएगा, चौसा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारत में सती प्रथा प्रसिद्ध कानून
प्रतिषेध कानून कब पारित किया गया, कब पास किया गया था, तो ये किया गया था 1829 में किया गया था। 28 में क्या आया था, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, और 29 में आपका ये लॉ पास कर गया था। तो भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून जो है 1829 में लाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो किसे प्राप्त है, तो ये है आपका स्लीमैन, कैप्टन स्लीमैन को है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय जो है कैप्टन स्लीमैन को दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था, तो ये अभियोग कब चलाया गया था, तो ये है आपका 1917 में, क्योंकि इसी टाइम आए थे वो बिहार में। तो महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था, 1917 में चलाया गया था। नेक्स्ट है किस वर्ष में वी डी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो हिंदू महासभा के अध्यक्ष जो निर्वाचित हुए थे 1938 में हुए थे। किस वर्ष में वी डी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो 1938 में हुए थे। नेक्स्ट है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुँचे थे, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है दिल्ली पहुँचे थे, यहाँ पे कोई डेट नहीं दे रखा है, 1942 के यहाँ पे ऑप्शन ई पे गया है, तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई एक यहाँ पे डेट नहीं दे रखा है, ऐसे थे 22 मार्च को पहुँचे थे, 22 मार्च। नेक्स्ट है इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था, तो ये जो पारित हुआ था 16 जुलाई को पारित हुआ था, कब, 16 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था, तो 16 जुलाई हो जाएगा 1947। नेक्स्ट है भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है, तो ये है आपका संविधान सभा के द्वारा किया गया था। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया, संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा किया गया था। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन रॉय की पहली पुस्तक का नाम क्या था, तो पहली पुस्तक का नाम था वेदांत ग्रंथ था। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन रॉय की पहली पुस्तक का नाम था वेदांत ग्रंथ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था, तो तायूनी आंदोलन किसने चलाया था, तो ये चलाए थे जौनपुर के करामत अली ने, जौनपुर के करामत अली ने तायूनी आंदोलन चलाया था। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था, जौनपुर के करामत अली ने चलाया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे, तो सबसे कटु आलोचक थे या जमाजुद्दीन अफगानी थे, सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक थे जमाजुद्दीन अफगानी थे, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी का 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था, तो किसने बुलाया था, तो गुजरात के दादा ने बुलाया था, गुजरात के दादा। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था, गुजरात के दादा हो जाएंगे। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था, तो ये एक्ट जो है 1904 में पारित हुआ था, कब हुआ था, 1904 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था, 1904 में। नेक्स्ट है बंगाल नाटक नील दर्पण के अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो नील दर्पण का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था, तो ऐसा जो कहा था ये टीवी मैकाले ने कहा था, किसने कहा था, टीवी मैकाले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह कहा था, टीवी मैकाले ने कहा था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 में हुआ था, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 में किया गया था। नेक्स्ट है किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक्का आंदोलन चलाया गया था, एक्का आंदोलन कहाँ पे, अवध में चलाया गया था, और अवध कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक्का आंदोलन चलाया गया था, अवध में, अवध उत्तर प्रदेश में। खान अब्दुल गफार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है, तो कौन से नाम से जाना जाता है, तो ये रेड शर्ट मूवमेंट भी कहते हैं, रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जानते हैं, तो रेड शर्ट नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को किस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से, तो ये हो जाएगा बेथी हो जाएगा, बेथी नाम से जानते हैं। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को किस नाम से जाना जाता है, बेथी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, पुनः याद रखें
अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह जो शब्द कहा गया किसके द्वारा, तो ये था लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है या कभी भी झुकना नहीं चाहिए या जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे, तो ये कहा था आपका लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, और ये आज भी ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था, तो कौन सा प्रसिद्ध था, ये था आपका श्रीरंगपट्टनम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था, श्रीरंगपट्टनम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समानता और प्रेरणा कहाँ से आई है, तो ये मिला आपका फ्रेंच क्रांति से मिला है, कौन सा, फ्रांसीसी क्रांति से मिला है। स्वतंत्रता, समानता और प्रेरणा इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अली गौहर का बिहार अभिनय किस वर्ष समाप्त हुआ था, तो ये हुआ था 1759 में हुआ था। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था, 1759 में हुआ था। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ, 1759 में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था, तो किसान सभा आंदोलन का आरंभ जो है किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है अलीवर्दी खां को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था, तो ये जो किया गया था 1733 में किया गया था। अलीवर्दी खां को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था, 1733 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, कौन सीमा साझा नहीं करता है, तो ये हो गया मिथिला मैदान जो है साझा नहीं करता है, मिथिला मैदान जो है साझा नहीं करता है। अंग का मैदान कहाँ पे हो गया, अंग का मैदान हो गया भागलपुर साइड में, और मगध का मैदान इधर गया में आ गया, और गंगा सोन तो जानते हैं सोन नदी, तो कौन सा हो जाएगा आपका मिथिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37, भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है, तो ऊपर से आपका 36वां है, सबसे लास्ट 36 नंबर का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो ये है दिया से हो जाएगा। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण किससे संबंधित है, तो दिया से हो जाएगा, नाम से ही पता चला है दिया आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 39 का मूंगा रेशम, यहाँ पे नहीं है मूंगा रेशम, नहीं जरदालू आम को दिया गया, कतरनी धान को दिया गया, मगही पान को भी दिया गया है, लेकिन जीआई टैग मूंगा रेशम को नहीं दिया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक का पहाड़ पे है, तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे, अमरकंटक की पहाड़ से, जहाँ पे तीन नदी तीन डायरेक्शन में निकलती है, जिसमें आपका यहाँ पे जो हो जाएगा आपका एक जो होगा यहाँ पे आएगी, एक चल जाएगा अरब सागर में, कौन चल जाएगा अरब सागर में, नर्मदा निकल जाती है, और यहाँ पे जो आपका आपका बेव बंगाल में आपका महानदी चल जाएगी, और ऊपर में आपका सोन नदी चली जाएंगी, गंगा से मिल जाएंगी। नेक्स्ट है संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो ये है संथाल। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से कितने किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, तो ये है आपका गंगा किनारे हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे पे आपका जैविक कॉरिडोर बनाया जाएगा, ऑर्गेनिक कॉरिडोर, ऑप्शन ए हो जाएगा। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है, तो ये है तृतीय है, कौन सा है, तृतीय हो जाएगा। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान है थर्ड। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ पे है, तो रोहतास में, वही बताना है कितना है साक्षरता दर, तो यहाँ पे है 75.59 के आसपास है। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो रोहतास में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है, तो किसे मिला है ठेका, तो ये मिला है GEN अल्माटी ग्रुप को, यहाँ पे बी हो जाएगा, GEN अल्ट्रासॉम कंपनी को मिला है। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है, तो ये मिला है GEN अल्ट्रासॉम कंपनी को मिला है। कहाँ की है अल्ट्रासॉम, तो फ्रांस की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 कह रहा है
कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ पे हुई है? तो कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना जो हुआ है बक्सर जिला के रानीपुर में हुआ है। बक्सर जिला का राजपुर में, सॉरी राजपुर हो जाएगा, रानीपुर नहीं, बक्सर जिला का राजपुर में हुआ है। कहाँ पे? राजपुर में। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ पे हुई है? तो बक्सर जिला का राजपुर में। तो मैं यहीं पर रहता हूँ बक्सर में, तो यहाँ मुझे पता है कि राजपुर में हुआ है। कहाँ पर? राजपुर में हो जाएगा। तो कपिलांश धातु उद्योग है आपका कहाँ पर? बक्सर के जिला राजपुर में। नेक्स्ट है, सुधा कोऑपरेटिव किस स्थापना किस आईएएस अधिकारी ने किया था? तो कौन सा आईएएस अधिकारी था यहाँ पे? तो रामचंद्र सिन्हा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र सिन्हा ने किया था। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस आईएएस अधिकारी ने किया था? तो रामचंद्र सिन्हा ने किया था। बिहार में लीची उत्पादन है, तो बिहार में लीची उत्पादन कितना है? तो ये है आपका भारत के उत्पादन का 74%। बिहार में लीची उत्पादन है भारत के उत्पादन का 74%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था? तो सिंपल सा है, किसने कहा था? तो कुंवर सिंह ही कहेगा। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है कहा था, कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मांगते थे? तो बिरसा मुंडा को उनको धरती आबा का अवतार मानते थे। किसका? धरती आबा का। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस संस्था ने गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की थी? तो गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? तो ये आपका यहाँ पे नहीं दे रखा है, यहाँ पे देवघर हो जाएगा। तो गोल्डन लीग की स्थापना जो है देवघर में किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा, देवघर में। नेक्स्ट है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार है जो आपका द बिहार हेराल्ड हो जाएगा। द बिहार हेराल्ड जो है पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार था। ऑप्शन बी हो जाएगा, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड। नेक्स्ट है, 1928 में बिहार में रविदास सभा का संगठन किसने किया था? तो किसने किया था? ये किए थे जगजीवन राम ने। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किए थे जगजीवन राम ने किया था। नेक्स्ट है, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो ये जो कर था आपका तवान टैक्स था, तवान कर था। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों की कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो एक तवान टैक्स होता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55, 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पहला जिला स्कूल जो है पटना में खोला गया था। 1835 में पहला जिला स्कूल पटना में खोला गया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो पूर्व में किस पद पर थे? तो ये थे पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे। पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी हो जाएगा, पटना नगर पालिका के चेयरमैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका संविधान की प्रस्तावना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो भारत की संविधान की प्रस्तावना हो जाएगा। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है आपको ये मौलिक अधिकार के अंदर आता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंदर आता है? तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 32 के अंदर आता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो कौन देता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 343, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 343। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? आर्टिकल 343। नेक्स्ट है, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो कितना हो जाएगा? तो 6 महीना हो जाएगा। कितना? 6 मंथ हो जाएगा। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो ये 6 महीने तक की जा सकती है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये है आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये जो है आपका डी, यहाँ पे नियंत्रण व महालेखा परीक्षक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है, आर्टिकल 148 में आता है। नेक्स्ट है, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई थी? ये हो जाएगा अमेरिका गणराज्य से, अमेरिका से हुआ था। यानी जनहित याचिका कहाँ से लिया गया है? आपका अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका।
नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा रिट लागू होता है? तो अवैध हिरासत में आपका बंदी प्रत्यक्षकरण यानी हैबस कॉर्पस लागू होता है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा रिट लागू होता है? तो बंदी प्रत्यक्षकरण हैबस कॉर्पस लागू होता है। नेक्स्ट है, संविधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो किसमें दिया गया है? तो ये है आपका भाग 20 के अनुच्छेद 38 में दिया गया है। भाग 20 अनुच्छेद 368 में दे रखा है। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया है? संशोधन आपका 368 में दिया गया है, वो भी भाग 20 में दे रखा है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो सुप्रीम कमांडर कौन होगा? एक ही है, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होते हैं राज्यपाल होते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कम होती है, कितना कम होता है? ये होता है 75 सेंटीमीटर से कम होता है। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाले इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये है आपका हरिके बैराज हो जाएगा। हरिके बैराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाले इंदिरा गांधी नहर के उद्गम स्थल कहाँ पे? तो हरिके बैराज में है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? तो कहाँ पे नहीं उगता है? ये हो गया आपका, यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। एक तो यहाँ मैं बता दूं कि पश्चिमी घाट में उगते हैं और अंडमान द्वीप में भी उगते हैं, और बस ये दोनों होते हैं, ये दो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है, दंडकन्या में इंद्रावती सबरी नदी किसकी सहायता नदियाँ हैं? तो ये है आपकी गोदावरी की। दंडकन्या में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो गोदावरी की हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका भी आंसर क्या है, सारे का सारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उस कटिया पूर्वी जेट स्ट्रीम है ही, ITC जेट का खिसकना ये भी है, तिब्बती का ऊंचा ये भी है, लालिना भी है, तो ये सारे के सारे यहाँ फैक्टर काम करते हैं। नेक्स्ट है, मणिपुर के मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहते हैं? तो गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहते हैं? ये हो गया मैतई कहते हैं, मैतई। तो म से मणिपुर, म से मैतई। मणिपुर के मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोग को क्या कहते हैं? तो मतई कहते हैं, मतई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74, भारत के वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है, ये कहां का हो जाएगा? तो यहां पे पंजाब और लक्षद्वीप हो जाएगा, पंजाब और लक्षद्वीप। भारत व केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत उनके कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है, वो हो जाएगा आपका पंजाब और लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट है, जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? तो जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रा के पास में, और बनिहाल दर्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहर सुरंग किसके नज़दीक में है? तो बनिहाल दर्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईस्टर्न पीर पंजल रेंज में आता है। नेक्स्ट है, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम सेल निर्माण किसका उदाहरण है? तो मशरूम सेल निर्माण जो है यह अपघर्षण का है। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम सेल निर्माण किसका उदाहरण है? तो यह है अपघर्षण का है, अपघर्षण। नेक्स्ट है 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखी उत्पाद है? तो ज्वालामुखी उत्पाद इनमें से कौन कौन सा है? तो यह है आपका भू अभिनति। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखी उत्पाद है? तो भू अभिनीति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो खगोलीय इकाई किसके किसके बीच की दूरी होती है? तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच का होता है। निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? पृथ्वी और सूर्य के बीच का। नेक्स्ट है, रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर है? तो ये है बाल्टिक सागर के तट पर है। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर जो है बाल्टिक सागर के तट पर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये आपका ससेन है, ससेन आपका फ्रांस का पार्ट नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है? तो ससेन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? तो ये है बेंगोला धारा है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है आपका बेंगोला धारा। नेक्स्ट है,
इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। तो इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो ये है कुर्द। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है कुर्द, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्राज़ील के पठार के पास मैदान को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कंपोस। ब्राज़ील के पठार के पास के मैदान को, घास के मैदान को क्या कहेंगे? कंपोस कहेंगे। ब्राज़ील में घास के मैदान को कंपोस कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर लागू है? तो कौन सा विनिमय दर लागू है? तो ये हो जाएगा फ्री फ्लोट लागू है, फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट लागू है। भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय दर व्यवस्था लागू है? तो फ्री फ्लोट की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी निवेशक एजेंसी भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ खरीद सकता या सकती है? तो कौन खरीद सकता या सकती है? तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों ही कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त प्रतिष्ठान और व्यक्ति, तीनों ही खरीद सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा 85 का बी। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्तीय वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? तो कितनी बार करेगा? तो द्विमासिक करता है, यानी एक साल में 6 बार करता है। तो द्विमासिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए मानक रूप से उपयोग करता है? तो किसका उपयोग करता है? तो ये CPI संयुक्त क्या करता है, CPI यहाँ पे जो RBI करेगा, CPI यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन सी देखा है, यहाँ पे CPI संयुक्त हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यायिक कार्यप्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित होती है? तो किस पर आधारित होती है? तो धन का सीमांत व्यय पर आधारित होता है, धन की सीमांत व्यय पर। न्यायिक कार्यप्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित होती है? तो सीमांत व्यय पर आधारित होती है। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्री चर को प्रभावित करता है? तो किसे प्रभावित करेगा? तो मूल्य स्तर को प्रभावित करता है। किसे करेगा? मूल्य स्तर को। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्री चर को प्रभावित करता है? तो मूल्य स्तर को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है, देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? तो किसके समान मानी जाएगी? तो ये निर्यात के समान मानी जाएगी, एक्सपोर्ट के समान होगा। देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए जो पर्यटक भारत में आते हैं, जो विदेशी भारत में आते हैं, तो उनको हम किस फॉर्म में जानते हैं? तो उनको हम एक्सपोर्ट के फॉर्म में जानते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों की पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट के किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो किसके अंतर्गत करेंगे? तो राजस्व व्यय के अंतर्गत करेंगे। कौन सा हो जाएगा? राजस्व व्यय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 92 नंबर कह रहा है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो कौन से खाते में जमा होगी? तो भारत का सार्वजनिक खाते में जमा होगी। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो भारत का सार्वजनिक खाते में जमा होती है। नेक्स्ट है, भारत का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो राजकोषीय घाटा होता है आपका कर्जा बनाने वाली पूंजीगत संपत्ति का होता है। ठीक है, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो ये होता है कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर GST के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का क्या अर्थ है? तो ये है आपका वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए एक राजस्व से पहले के समान रहे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व से पहले के समान रहे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कृषि की अवधि होती है फसल वर्ष, तो कौन से वर्ष होता है? तो ये हो जाएगा आपका 1 जुलाई से 30 जून होता है। भारत में कृषि की अवधि होती है फसल वर्ष कौन सा है? 1 जुलाई से 30 जून तक फसल का वर्ष है, 1 जुलाई से 30 जून इसका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट है, 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा के नोट की देनदारी किसकी होती है? तो ये हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर। नेक्स्ट है, 100 डेसिबल शोर का प्रबलता स्वर संगत होता है, तो ये कब होता है? तो यहाँ पे एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल का, 100 डेसिबल शोर का प्रबलता स्वर संगत होता है एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल का, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है, एक क्षैतिज वृत्त में स्थित चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो कौन सा स्थिर रहेगा? तो गतिज ऊर्जा जो है उस स्थिर रहती है। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्थिर रहेगा? तो गतिज ऊर्जा स्थिर रहता है। क्वेश्चन 99 है, ऑडियोमीटर क्या नापता है? तो ऑडियोमीटर क्या नापेगा? तो ध्वनि की तीव्रता नापती है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता नापती है।
नेक्स्ट है, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा किस में करेंगे, तो जूल में करते हैं, कार्य को जूल में होता है, कार्य का किस में होगा तो जूल में होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है, तो किसके कमी होता है, तो ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है, तो अवतल लेंस के द्वारा यानी कॉन्केव लेंस से करते हैं। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो प्रकाश वर्ष का संबंध हो जाएगा आपका दूरी से हो जाएगा, प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी से। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ईंधन सेल हो जाएगा। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन सा करता है, तो ईंधन सेल करता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो सुक्रालोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है निम्नलिखित में कौन सा है, तो सुक्रालोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो रेडियोधर्मी तत्व कौन सा नहीं है, तो कैडमियम जो है रेडियोधर्मी नहीं है, बाकी यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, तो कौन सा नहीं है, तो कैडमियम जो है ये नहीं है। नेक्स्ट है, संघनन क्या है, संघनन जो है ये क्या है, तो ये है आपका वाष्प का द्रव में परिवर्तन जो है संघनन कहलाता है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है, तो नाभिकीय विखंडन होता है आपका न्यूट्रॉन के कारण होता है, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है, न्यूट्रॉन के वजह से। नेक्स्ट है, पीतल एक मिश्र धातु है, तो पीतल जो है मिश्र धातु है किसका, तो ये जस्ता और तांबा का है, पीतल एक मिश्र धातु है जस्ता और तांबा का। नेक्स्ट है, लोहे का विशुद्धतम रूप कौन सा है, तो लोहे का विशुद्धतम रूप जो आपका पिटवा लोहा है, पिटवा लोहा हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लोहे का विशुद्धतम रूप जो आपका पिटवा लोहा है। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिन्होंने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो किसने कहा था, ये आइंस्टीन ने कहा था, किसने कहा था, आइंस्टीन ने कहा था। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो आइंस्टीन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है, तो इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन जो है एंटीबायोटिक नहीं है, हार्मोन है। निम्नलिखित में कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है, तो आपका ऑक्सीटोसिन इसका आंसर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन एंटीबायोटिक नहीं है, हार्मोन है। नेक्स्ट है, बाकी कौन कौन सा एंटीबायोटिक है, तो एरिथ्रोमाइसिन है, पेंसिलिन है और टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन, पेंसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भवन काल होता है, तो कितना होता है, तो ये होता है 30 से 180 दिन होता है, कितना 30 से 180 दिन होता है, हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भवन काल होता है 30 से 180 दिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है, तो क्या हो जाता है, तो गुंबदाकार हो जाता है, निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है गुंबदाकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है, तो वातावरण प्रदूषक मानी जाती है सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी ये गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो गैम्बूसिया का किया जाता है, किसका करेंगे, गैम्बूसिया का। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों की जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो गैम्बूसिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी होती है, तो विटामिन सी की कमी होती है अस्कर्वी में, अस्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो हेमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन हो जाएगा, हेमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट है, डॉक्टर मृत्यु की घोषणा होती है, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब जब यहाँ पे उपयुक्त सभी तीनों तथ्य एक साथ मौजूद होता है, तब, जैसे नाड़ी गति रुक गई हो, हृदय गति बंद हो गई हो, या आँख की पुतलियाँ स्थित व फैल गई हो, तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो, तो इस समय क्या होता है, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा आपका सही सुमेलित है, तो ये हो जाएगा अपघटक क्या है, जीवाणु है, अपघटक क्या आपका जीवाणु है, कौन सा सही सुमेलित है, तो पूछा अपघटक क्या हो गया आपका, जीवाणु हो गया। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के मौजूद रहती है, तो कौन सा ग्रंथि हो जाएगा, तो अधिवृक्क हो जाएगा, अधिवृक्क जो है जोड़े के फॉर्म में मौजूद रहता है, ऑप्शन हो जाएगा अधिवृक्क। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित हवाई अड्डों में से कौन सा भारत में हेलीकॉप्टर टैक्सी यानी हेली टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है, तो पहला हवाई अड्डा बन गया है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉट सो इम्पॉर्टेंट है, अब तो ये उस समय का करंट अफेयर था। नेक्स्ट है, किस राज्य में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज स्कीम शुरू की गई थी, तो ये किया गया था दिल्ली में, किया गया था डोर स्टेप डिलीवरी किया गया था आपका दिल्ली में।
नेक्स्ट है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो ये थे बिप्लब कुमार देव, इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव। नेक्स्ट 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस राज्य में भारत माता का मंदिर निर्माण करने का निर्णय लिया गया है? तो भारत माता के मंदिर का निर्माण करने का निर्णय मध्य प्रदेश में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्त्री स्वाभिमान पहल आरंभ किया है? तो स्त्री स्वाभिमान पहल जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्त्री स्वाभिमान पहल, तो मीटी ने किया है, मेटी, MEITY। नेक्स्ट है, आठवें अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक 2018 का विषय क्या था? तो विषय हो जाएगा आपका मैत्री का ध्वज हो जाएगा। आठवें अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक 2018 का विषय था मैत्री का ध्वज, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2018 आयोजित किया गया था, कहाँ पे किया गया है? ये तो अबू धाबी में किया गया है। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2018 आयोजित किया गया है अबू धाबी में। नेक्स्ट है, किस देश ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो प्रथम स्थान हासिल किया है तो फिनलैंड ने किया है। किस देश ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में प्रथम स्थान हासिल किया है? फिनलैंड ने किया है। नेक्स्ट है, टर्निंग प्रॉमिस इनटू एक्शन जेंडर इक्वलिटी इन द ईयर 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट जो है यूएन वीमेन के द्वारा जारी किया गया है। यूएन वीमेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए उस ऑपरेशन का नाम शरणार्थियों की मदद के लिए चलाया गया था, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है इंसानियत, ऑप्शन बी हो जाएगा। रोहिंग्या के क्या कहता है, ऑपरेशन इंसानियत रोहिंग्या के लिए। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2019 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था? तो 2019 को जो अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया गया है वो देशीय भाषा हो जाएगा, देशीय भाषा के रूप में, ठीक है, देशीय भाषा के रूप में 2019 को किया गया था। नेक्स्ट है, जून 2017 में कौन सा देश नाटो का 29वां सदस्य बना? तो नाटो का 29वां सदस्य बना था, मोंटेनेग्रो बन गया था, 29वां सदस्य और मोंटेनेग्रो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2017 में अपने कानून में संशोधन न करके किस देश ने समलैंगिक विवाह की अनुमति कर दी है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। दिसंबर 2017 में अपने कानून में संशोधन न करके किस देश ने समलैंगिक विवाह की अनुमति दी है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में मान्यता दी है? तो किसने दिया है? तो कुंभ मेला को दिया है, कुंभ मेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2018 में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हस्तांतरित समझौते की संख्या कितनी है? तो ये है आपकी 14 है, 14 संख्या पर हस्तांतरित किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर सरकार द्वारा पहला मुफ्ती एंड सैयद अवार्ड फॉर प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ 2018 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नीतीश कुमार को दिया गया, किसे? नीतीश कुमार को। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बनाने व बिक्री खरीद पर हाल ही में पूरे राज्य में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस राज्य ने लगाया है? तो बिहार ने लगाया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सेफ सिटी सर्विलेंस स्कीम प्रारंभ किया है? तो ये किया है बिहार ने, किया सेफ सिटी सर्विलेंस स्कीम बिहार ने। विश्व का प्रथम लिंग साहित्यिक महोत्सव आयोजित किया गया, कहाँ पे किया गया? तो पटना में किया गया, लिंग साहित्यिक महोत्सव पटना में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने छठे राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ यानी CPA के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो किसने किया है? तो बिहार ने किया है, ऑप्शन सी बिहार हो जाएगा। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा? तो ये आपका टोक्यो में किया जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, टोक्यो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पैरा एथलेटिक कौन बन गया है? तो यह है सुंदर सिंह गुज्जर हो गया, सुंदर सिंह गुज्जर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पैरा एथलेट बन गया सुंदर सिंह गुज्जर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल वुमेन प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया, किसने? सागरिका घोष, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडिया ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया सुनीता नारायण के द्वारा लिखा गया, सुनीता नारायण। नेक्स्ट है, टाइम इज नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविटी ट्रांसफॉर्मिंग वीमेंस लाइफ निम्नलिखित में किस किसका विषय था? तो ये जो विषय था यहाँ पे, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018 का थीम था ये, तो थीम भी आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन में इस्तेमाल की जाने वाली VVPAT का फुल फॉर्म क्या है? VVPAT का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल हो जाएगा, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय स्थापित कहाँ पर किया गया है? तो बड़ौदा में किया गया, बड़ोदरा। नेक्स्ट है, कांडला पोर्ट का परिवर्तित नाम क्या है? तो ये है आपका दीनदयाल
उपाध्याय पोर्ट हो जाएगा, दीनदयाल पोर्ट गुजरात हो जाएगा, कांडला पोर्ट का नाम हो गया है। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय ने आधिकारिक संवाद में दलित शब्द के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है, तो किसने पाबंदी लगाए है, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने लगा दिया है पाबंदी। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे लंबी अंतरजलीय गुफा पाई गई है, कहाँ पे पाया गया है, तो ये मैक्सिको में पाया गया है। कहाँ पे? मैक्सिको हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये हमारा CDPO 2018 का पेपर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।